वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ देख रहे होंगे, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, ठीक है। नंबर सिस्टम को ही हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति की हो गई शादी और उसके हो गए दो बच्चे, कौन कौन से हुए? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या की भी शादी करवा दी गई, सॉरी वास्तविक संख्या की, तो उसके दो बच्चे हुए कौन कौन से? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या के दो बच्चे हुए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। आइए जानते हैं हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे पी बाई क्यू के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। पी इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है, सॉरी क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, यहाँ लिख देती हूँ मैं, पी बाई क्यू, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है। ये होती है परिमेय संख्या। और आइए जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, ठीक है। अपरिमेय संख्या का उदाहरण देख लीजिए, इसका होता है जैसे रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का उदाहरण देख लीजिए, क्या होता है? 3/4, 5/2, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। एक ऑब्सेशन है, जैसे एक स्टार करके देख लीजिएगा इसको नोट्स में, जो पाई होता है, पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। बट पाई का मान आप सभी लोग जानते होंगे कितना होता है, 22/7, कितना होता है? 22/7। ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 है वो क्या है? परिमेय संख्या है। वास्तविक अब आइए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं, ठीक है। और हम परिमेय संख्या को तीन भागों में डिवाइड करते हैं, क्या क्या है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या गिनती होती है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से इनफाइनाइट तक जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिसके साथ जीरो भी होता है वो पूर्ण संख्या होता है, ठीक। आइए पूर्णांक संख्या जानते हैं। पूर्णांक संख्या में जीरो माइनस, ठीक है, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, जहां पे ये तीनों पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। और जहां पे जीरो से गिनती स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जहां पे एक से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। आइए, अच्छा हमें आप एक उदाहरण में देती हूं एग्जाम्पल, आप उस एग्जाम्पल को बताइए कि वो पूर्ण संख्या है या नहीं, बताइए। √3, √9, √12, इन तीनों को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये लोग पूर्ण संख्या है कि नहीं। आइए आगे जानते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, ठीक है, जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं, ठीक। और विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या खुद से कटे या फिर वन से कटे उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। इतना तो जान गए, इतना सब जानते होंगे गाइस। कल के वीडियो में हम जानेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ये थोड़ा सा बचा है, इसको कल कंप्लीट कर देंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्थानीय मान और अंकित मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।